बलरामपुर जिले में समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर एसपी यादव ने कहा कि सपा बसपा महागठबंधन 2019 का मिशन फतेह करेगी। उन्होंने भाजपा पर खूब जमकर निशाना साधा और कहा कि समाजवादी पार्टी एक चट्टान के रूप में बसपा का साथ निभाएगी। पूरी मुस्तैदी के साथ सपा बसपा महागठबंधन लोकसभा चुनाव लड़ेगा। पूर्व मंत्री सपा कार्यालय बलरामपुर में आयोजित एक संयुक्त पत्रकार सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पूर्व जिला अध्यक्ष श्री ओंकारनाथ पटेल को प्रदेश कार्यकारिणी में प्रदेश महासचिव नामित किया गया है और जिला अध्यक्ष का कार्यभार हमें सौंपा गया है। देवीपाटन मंडल से ब्यूरो चीफ सीबी मणि त्रिपाठी की रिपोर्ट। सरकार को जिन्होंने नौकरियां नहीं दिया वादा करके, और जिन्होंने नौकरियां तो नहीं दे पाई लेकिन पूरे अपने लोग खुद चौकीदार बन गए, और चौकीदारों के जो वहां पर बेचारों को जो मिल रहा था नौकरी वो भी हमारे ख्याल से उसको भी लेने के लिए आमादा है। तो इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए पूरा समाजवादी पार्टी चट्टान के तरीके से खड़ी है बहुजन समाज पार्टी के साथ, और सरावती से भारी बहुमत से सपा बसपा गठबंधन को जिताया जाएगा। मंत्री जी, जब समाजवादी पार्टी यहाँ पर बहुत अच्छा कार्य कर रही थी, समाजवादी पार्टी दूसरे पोजीशन पर थी पिछले लोकसभा चुनाव में, मायावती को 0 सीटें मिली थी पूरे लोकसभा में, और ऐसे में समाजवादी पार्टी से मतलब टिकट ना दे करके गठबंधन को दे दिया गया, तो ये क्या तरसाता नहीं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता या नेता किसी लायक नहीं थे? देखिए ऐसा है, यहाँ पर गठबंधन है समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी का, कहीं पर समाजवादी पार्टी जैसे महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र है वहाँ पर समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पर थी और बहुजन समाज पार्टी दूसरे नंबर पर थी, वहाँ पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर है तो पूरे प्रदेश में देखा जाए तमाम ऐसी सीटें हैं, कहीं पर सपा आगे थी वहाँ बसपा लड़ रही है। एक रणनीति के तहत जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने एक रणनीति बनाकर बहुत सोच विचार करके पूरे सारे हालात को पे नज़र रख के ये प्रत्याशियों की जो है ये तय किया है कि कहाँ कौन पार्टी लड़ेगा। बस केवल ये है कि यहाँ पर कोई पार्टी नहीं बल्कि सपा बसपा गठबंधन लड़ेगी पूरे प्रदेश में और भारतीय जनता पार्टी को धूल चढ़ाएगी। आम जन का मानना है कि गुटबाजी हो रही है और इसका फायदा कांग्रेस को चला जाएगा, इसमें क्या आप करेंगे? ऐसा कोई गुटबाजी नहीं है, वो तो जो विरोधी है वही देख रहे हैं, उनके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि जो सपा बसपा का गठबंधन इतना हर समीकरण से केंद्रीय कोण से बहुत भारी मतों से यहाँ पर जीत रहा है, इसलिए वो कहीं गुटबाजी कहीं कुछ करेंगे। खुद अपने गिरेबान में झांक के देख लें विपक्षी पार्टियाँ, उनके अंदर कितना गुटबाजी है। अभी जो मौजूदा सांसद, उन्होंने बयान दे दिया, आप लोग जानते हैं, उन्होंने बयान दे दिया कि मैं जो है दूसरे पार्टी पुराने घर में चला जाऊँगा। यहाँ पर तो कोई इसी नहीं बात आई है, सारे लोग एकजुट हैं, सारे लोग जो है मुत्तहिद हैं सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने के लिए। क्या जरूरत पड़ी चाचा कि चुनाव के समय जिलाध्यक्ष बदल लिया गया? देखिए ऐसा है, ये तो देखिए हर चीज़ जब रणनीति में तय होती है वो तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने जो हमारे मौजूदा जिला अध्यक्ष है उनको प्रदेश सचिव बनाया है, तो पद खाली हुआ था तो जरूरी थे इस समय, चूँकि मैं पहले जिला अध्यक्ष रह चुका हूँ, इसलिए ऐसे समय में जब संघर्ष चल रहा है लड़ाई चल रही है तो मुझे जिम्मेदारी दी गई है। कहीं ऐसा तो नहीं मंत्री जी ये मतलब ओंकार पटेल जी की वजह से जैसे आपका प्रत्याशी कुर्मी आ गया तो यादव वोट खिसक रहा था इसलिए आपको अध्यक्ष बना दिया गया, उनको माना? देखिए ऐसा जातवाद में ये भाजपा जो है वो अपने को मानती है, ये समाजवादी पार्टी में ये सब बात नहीं है। हम जो है सोशल जस्टिस के लड़ाई लड़ते हैं, इसमें जात पात की कोई भावना नहीं ना कोई बात है। गुटबाजी रिपोर्ट तो अभी पहले बनाए हो,